आए मैंने तो ज़्यादा यूज़ करे भी नहीं TNT, उसके बावजूद भी इतने सारा। तो भाई और बहनों, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट। तो भाई और बहनों, आपको याद ही होगा हमने पिछले के पिछले एपिसोड में एक स्टोन फार्म बनाया था। उस पर आप लोगों के कमेंट आया कि TNT उसमें ज़्यादा लगेगा, स्टोन सारे टूट नहीं रहे हैं और एक डिस्पेंसर लगाओ। तो मैंने डिसाइड करा यार, इस स्टोन फार्म से तो मेरे को ज़्यादा, एक तो ज़्यादा TNT भी लग रहे हैं और स्टोन भी मेरे को कम मिल रहे हैं। तो आज हम उसी स्टोन फार्म की जगह पर एक न्यू स्टोन फार्म बनाने वाले हैं। मैंने वो सब कुछ जगह वापस से साफ सफाई कर दिया, अब चलते वापस उसी जगह पर दूसरा स्टोन फार्म बनाने के लिए। तो भाई और मैंने, ये रही वो जगह जहाँ पर आज हम अपना स्टोन फार्म बनाने वाले हैं। ये इससे पहले का जो स्टोन फार्म था मैंने उसको पूरी तरह तोड़ दिया और फिर पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। तो अब ये रहा उस स्टोन फार्म का सेंटर, और ये जो मैंने स्क्वायर मार्क करके रखा है वो, और ये 8x8 का स्क्वायर है, 9वें ब्लॉक पर मैंने ये डर्ट लगा के रखी है। तो ये 8x8 का पूरा स्क्वायर बन चुका है, हर साइड से मैंने 8 ब्लॉक छोड़ दिए, 9वें ब्लॉक पे डर्ट लगा दिए। ये उसका सेंटर है, इस सेंटर दिखे इसलिए मैंने उसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया है। तो ये है वो सारा सामान जिससे आज हम अपना स्टोन फार्म बनाने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले जो है अपना जो पूरे स्क्वायर का सेंटर ब्लॉक है उसको हम पहले तोड़ लेते हैं। अब मुझे जो है इस साइड पे एंट्रेंस बनानी है, इसलिए ये पहला ये अपना ब्लॉक तोड़ा, 1 2। अब मुझे 4 ब्लॉक्स नीचे खोदना है, तो ये एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, तीसरा और ये चौथा ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स मैंने खोद दिए। अब मुझे जो है यहाँ से एंट्रेंस चाहिए ताकि वो ज़्यादा इधर उधर होना, इसलिए मैं जो है यहाँ से चेस्ट लगा के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पहले एक चेस्ट की जगह हो गई, ये डबल चेस्ट। अब ये दूसरी चेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपना जाने का रास्ता हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ से बाहर जाने के लिए पूरा गिन के जाना पड़ेगा, वरना टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। अभी जो है मैंने कलेक्टिंग सिस्टम के लिए अच्छी सी जगह बना दिया है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर थोड़ा एक लाइन और खोदना पड़ेगा ताकि यहाँ पर पानी के लिए जगह बन सके। पानी इसलिए क्योंकि मैं बाद में इस सेंट्रल ब्लॉक के अंदर पानी डालूँगा, सेंट्रल ब्लॉक में तो बहता हुआ सारे हॉपर्स तक जाएगा, तो उस वजह से सारे कॉबर स्टोन बहते हुए अपने चेस्ट तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा, लेकिन फ़िलहाल अपने चेस्ट का सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर चेस्ट, दूसरी, तीसरी और चौथी चेस्ट मैं यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे बाद में हॉपर लगाने में दिक्कत ना हो, वरना एक्स्ट्रा चेस्ट से थोड़ा हॉपर लगाने में दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पर इन चेस्ट के ऊपर आएंगे हॉपर्स, ओके। अब इनको डबल चेस्ट बना देते हैं। अब मैं जो सेंटर में अपना वाटर डालूंगा, जिस वजह से सारे के सारे जो कॉबलस्टोन नीचे गिरेंगे चारों चेस्ट तक बराबर से पहुंच जाएंगे। अभी जो है अपना सेंटर ब्लॉक के लगभग 2 से 4 ब्लॉक्स ऊपर मैं एक ऑब्सीडियन लगाऊंगा ताकि TNT उस ऑब्सीडियन के ऊपर फटे और वो सारा स्टोन नीचे गिरे, ना कि TNT, वरना बैंड बच जाएगा। फिलहाल अभी स्काफोल्डिंग को लेके आते हैं और स्काफोल्डिंग से 11 ब्लॉक्स ऊपर चलते हैं। तो मैं 11 ब्लॉक्स ऊपर आ चुका हूँ, 12वें ब्लॉक के ऊपर अभी डर्ट लगा देते हैं। अब उसके साइड में पूरे स्टोन ब्रिक्स आ जाएंगे, मतलब एक ही लाइन स्टोन ब्रिक्स की आ जाएगी, ये इधर एक और इधर एक और इधर एक और इधर एक। अब सारे गैप्स फिल कर लेते हैं, ओके। डर्ट का कुछ काम नहीं तो मैंने डर्ट तोड़ दी। अब जो है इन स्टोन ब्रिक्स के सामने आएगी स्टोन ब्रिक्स स्टेयर्स। गलती से स्टोन ब्रिक लग गया, लेकिन उधर इतना टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाना था, उन्हें अभी इधर से ही आगे ऐसे ही स्टोन ब्रिक स्टेयर्स की एक लाइन बना देते हैं। तो कुछ ऐसा तुमको देखने को मिल जाएगा, मैंने उन स्टेयर्स के अंदर जो है पानी डाल के रखा वाटर बकेट से, इसलिए वो पानी दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पर लगा देते हैं एक टेम्प्रेरी डर्ट ब्लॉक। अभी जो मैंने डर्ट ब्लॉक लगाया था वहाँ से आगे मैं पिस्टन्स लगाने वाला हूँ, स्टेयर्स के आगे, मतलब थोड़ा ऊपर ही होगा स्टेयर्स के आगे, लेकिन थोड़ा सा एक ब्लॉक ऊपर। तो फिलहाल मैं दूसरा एक मिनट और एक पिस्टन लगा के दिखाता हूँ मैं। ये देखो कुछ इस तरीके से सारे पिस्टन्स का मुंह जो है नीचे की साइड पे होगा, ऐसे ही मुझे हर तरफ लगाने हैं चारों तरफ। ओके
ओके, तो अब जो है यहाँ पर एक डर्ट ब्लॉक, दूसरी डर्ट, ये ग्लास और ये चौथी डर्ट। अभी पीछे के दो ब्लॉक छोड़ के बाकी सब की तरफ मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो मैंने चारों तरफ कर लिया है, अब सबसे पहले ऊपर चलने जाते हैं, लेकिन डर्ट साफ करनी पड़ेगी। ओके, तो अब ये जो ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा डर्ट लगाई थी उसके ऊपर ग्लास ब्लॉक लगा देते हैं। ये सेंटर वाले ग्लास ब्लॉक से तीन ग्लास ब्लॉक आगे, चौथा वाला ग्लास ब्लॉक ग्लास जो है अंदर। अब यहाँ पर टेम्प्रेरी डर्ट लगा लेते हैं ताकि मैं उस साइड जा सकूँ। अब ये ग्लास को यहाँ से वापस बाहर निकालते हैं और फिर इससे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, जो डर्ट ब्लॉक मैंने रखा था टेम्प्रेरी उसके ऊपर एक ग्लास ब्लॉक, बारिश भी शुरू हो गई। खैर, अब ये जो मैंने ग्लास यहाँ पर ऊपर के साइड पे लगाया हुआ है वो दो ब्लॉक्स ऊंची उसकी जो है वॉल आएगी एक तरीके से। ये मैंने एक लाइन बनाई हुई है वो तो है ही, लेकिन इसके ऊपर एक और लाइन ग्लास की आने वाली है, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। अब जो है डर्ट ब्लॉक लगाने वाला हूँ, टेम्प्रेरी डर्ट ब्लॉक होगा वो, इसे ठीक है। तो ये ग्लास ब्लॉक का जो सेंटर है उस वहाँ सेंटर पे एक डर्ट ब्लॉक आएगी, लेफ्ट में एक डर्ट आएगी, राइट में एक डर्ट आएगी। यही सेम चीज़ मैं चारों तरफ करने वाला हूँ। ओके, तो जो सेंटर में डर्ट लगाई थी उसके ऊपर मैं लावा बकेट से लावा डालने वाला हूँ। अब ये लावा को पूरा फैलने दे देते हैं। अब लावा पूरा फैलने के बाद ये जो डर्ट मैंने लगाई थी उसको हाथ से तोड़ देता हूँ मैं। ओके, अब यही सेम चीज़ चारों तरफ करूँगा मैं, बीच में लावा और लावा फैलने के बाद बचे कुछ तीनों डर्ट को तोड़ दो। अबे रेडस्टोन के कनेक्शन की बारी। अब जो है मैं सारे पिस्टन्स के ऊपर रेडस्टोन डस्ट डाल दूंगा। सबसे पहले सारे पिस्टन्स के ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगा देते हैं। तो अभी अपने पिस्टन्स को करंट देने के लिए यहाँ पर एक रेडस्टोन की क्लॉक में बनाने वाला हूँ, और एक ऐसी क्लॉक होगी वो जो मैं जब चाहूँ तब चालू बंद कर सकूँ। अब जो है मैंने ये सीढ़ियाँ बना दी है, थोड़ा ब्लॉक और आगे चलते हैं। अब यहाँ से दो ब्लॉक ऊपर चलते हैं, ये पीछे की तरफ एक ब्लॉक और ये यहाँ पर आगे की तरफ एक ब्लॉक, एक तरीके से वो वाई का आकार बन जाएगा। बीच का ब्लॉक को तोड़ दो। हाँ, तो अब जो है यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर एक रिपीटर आएगा इस तरह से, उस पर एक टिक लगेगी। अब जो है रेडस्टोन टॉर्च की बारी, रेडस्टोन टॉर्च को मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिपीटर के पीछे की साइड पर। अब यहाँ पर आगे की तरफ, रुको मैं दिखाता हूँ अभी कैसे होगा। अब मैं रेडस्टोन लूँगा, रेडस्टोन को यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये देखो ये रेडस्टोन की क्लॉक रेडी हो गई। फिलहाल के लिए लीवर लगा के उसको चालू करके इसको बंद कर देते हैं। अब ये रेडस्टोन की क्लॉक जो है बंद हो गई, अब इसका मैं इस्तेमाल कर सकूँगा। और एडिटिंग के टाइम पे और जब मैंने चलाया तब मुझे पता चला कि इधर एक रेडस्टोन थोड़ा कम पड़ गया, मतलब एक सीढ़ी मैंने ज़्यादा डाल दी, तो इस वजह से वहाँ पर रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हर जगह पर करंट नहीं जाने वाला। तो फिलहाल वो छोड़ते हैं। अब यहाँ पर डिस्पेंसर की बारी, मैंने टेम्प्रेरी डर्ट लगाई थी, अब उसके ऊपर साइड में डिस्पेंसर। अब डिस्पेंसर से टीएनटी नीचे गिरेगा और इसी ऑक्सीडन के ऊपर फट जाएगा। ओके, तो अब डिस्पेंसर को करंट देने के लिए उसकी एक अलग क्लॉक बनानी पड़ेगी, इसलिए डर्ट को तोड़ देता हूँ। जो है यहाँ से आगे ये स्टोन ब्रिक्स को लगा देते हैं। चलो अब क्लॉक की बारी, यहाँ पर रेड स्टोन मैंने लेके आ चुका हूँ। ऐसे ही मैंने एक लाइन उस तरफ मैंने खींच दिया। अब यहाँ पर रेडस्टोन रिपीटर आएगा, उस पर चार टिक। अब ऐसे ही रिपीटर्स लगाते हुए आगे चलेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने रेडस्टोन पहले ही लगा दिया ताकि करंट जो है रिपीटर्स तक पहुँच सके, क्योंकि रिपीटर्स में करंट लेफ्ट या राइट से नहीं जाता, आगे या पीछे से ही जाता है, इसलिए भी वहाँ पर रेडस्टोन लगाया। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करूँगा, हर जगह पे रिपीटर्स लगा कर उन पर चार टिक लगाऊँगा। ओके, तो मैं अभी आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। ये मैंने लीवर चालू करके बंद कर दिया, तो ये देखो करंट घूमना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही करंट ये घूमता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिस्पेंसर को रेडस्टोन सिग्नल देगा, जिससे टीएनटी थोड़ी थोड़ी देर के बाद नीचे गिरेगा। अब फिलहाल इसको जैसा था वैसे कर देते हैं। अब डिस्पेंसर के साइड में मैं एक चेस्ट अटैच करने वाला हूँ, इसलिए ये सबसे पहले तो एक हॉपर, ये डिस्पेंसर से अटैच करते हुए एक हॉपर, और उस हॉपर के ऊपर चेस्ट। ओके, तो ऊपर का काम अपना हो चुका है। अब चलो यहाँ से नीचे चलते हैं, जल्दी चलो। ओ नहीं, मर गया मर गया। हाँ,
अरे 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 जल गया जल गया जल गया, मैं पूरा जल गया। अरे अरे आग बुझ जा भाई, बच गया। खैर अभी वो सब कुछ तो झमेला हो गया, फिलहाल इसका स्कैफोल्डिंग तोड़ दो क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं है। मैंने दूसरी से तरफ स्कैफोल्डिंग लगा दी है ताकि मैं जो है वहाँ से ऊपर जा सकूँ और TNT लगा सकूँ। हाँ लेकिन मेरे को वापस से नावा में नहीं कूदना है, बाद में मैं ग्लासेस ऊपर लगा दूंगा। ओके फिलहाल इसको चालू कर देते हैं, अब इससे जो है स्टोन जनरेटर अपने आप स्टोन जनरेट करते जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने ढंग से उसको रेडस्टोन सिग्नल नहीं दिया है, तो उस वजह से जो है बीच बीच में हो नहीं रहा है, वरना पूरा चौकोन बनता है। पीछे के साइड के जो स्टोन्स हैं वो जनरेट नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर जो है अपने पिस्टन ने काम ही नहीं करा। वहाँ का पिस्टन काम ही नहीं करा जिस वजह से ये दो रोज आपको खाली दिख रहे होंगे। कोई नहीं, वहाँ पर मैंने रिपीटर बाद में लगा के उसको ठीक कर दिया था वैसे तो। वो रेडस्टोन का पूरा कनेक्शन सही करने के बाद यहाँ पर पूरा जनरेट हो गया। अब ये देखो पूरा का पूरा एरिया बन गया। अब यहाँ पर ऊपर से डिस्पेंसर से TNT ड्रॉप होगा, वो TNT ऑब्सीडियन के ऊपर आएगा और फट जाएगा, ठीक है, जिससे मुझे स्टोन मिलेगा और वो सारा स्टोन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा इन सभी चारों के चारों चेस्ट के अंदर, जिससे मैं उन सभी के सभी कवर स्टोन को आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ हाफ स्टैक मतलब 32 TNT लेके आया हूँ, सिर्फ 32 TNT। अब देखते हैं इन 32 TNT से मेरे को कितना सा ये कॉबल स्टोन मिलेगा, क्या बोल रहा हूँ, रेड स्टोन क्या। 32 TNT से देखते हैं कि हमें कितना कॉबल स्टोन मिलेगा। मैं पानी तो डालना भूल गया, पानी डालने के लिए सबसे पहले चारों तरफ ये डर्ट लगानी पड़ेगी जैसे पैटर्न में लगाए, मतलब ये तो एक ही पैटर्न बन गया भाई। इसके ऊपर तो ये डर्ट लगाना भूल गया मैं। अब ये देखो कुछ इस तरीके से मैं जो है चारों तरफ ये बनाने वाला हूँ। ओके तो अब सेंटर में जो है ब्लॉक है वहाँ पर पानी डालूँगा मैं, और ये जो यहाँ से है पूरी सभी तरफ मैं पानी डालने वाला हूँ। पहले ऊपर चढ़ लेता हूँ मैं, वरना मेरे को पानी डालने में बहुत दिक्कत आने वाली है। अरे चढ़ जा। ओके मैं जो यहाँ पर साइड में पानी डालने जा रहा हूँ पूरी सभी ब्लॉक्स के ऊपर। ओके तो अब TNT जो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो चुका है और वो सारा का सारा कॉबलस्टोन मेरे बनाए हुए होल में जा रहा है, जिससे वो सारा का सारा कॉबलस्टोन मेरे चेस्ट में जमा होगा। फिलहाल यहाँ पर वेट करते हैं सारा के सारे 32 TNT के फटने तक। ओके तो अभी TNT नहीं फट रहे, इसका मतलब TNT डिस्पेंसर से ख़त्म हो चुके हैं। 32 TNT में देखते कितना सारा, ओ भाई इतना सारा कॉबलस्टोन मिल गया मेरे को भाई। हाफ स्टैक में इतना दे दिया, एक स्टैक डाल देते तो कितना होता। सिर्फ एक ही चेस्ट है भाई, इतने सारे इसमें जमा हो रहा है क्या। नहीं, इतने ही है। ज़रा दूसरी चेस्ट में चेक करें, ओ उसमें भी कम नहीं है। तीसरे में भी बहुत है, चौथी खाली पड़ी है। लेकिन इसका टोटल करके देखते हैं, टोटल एक चेस्ट में डाल देता हूँ सारा का सारा सामान। तो तुम देख ही सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ स्टैक TNT यूज़ करा था, उस हाफ स्टैक में मेरे को 23.5 स्टैक मिले गए। उसमें दो कॉबलस्टोन कम है लेकिन 23.5 तो है 32 में सिर्फ हाफ स्टैक में, तो सोचो एक स्टैक यूज करता तो कितना होता। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।